हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 5G स्मार्टफोन अंडर 15K के बारे में। हमने काफी रिसर्च और एनालिसिस के बाद आपके लिए टॉप 5 5G स्मार्टफोन सिलेक्ट किए हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 5 की। हमारी लिस्ट में नंबर 5 पे आता है वीवो T2X 5G स्मार्टफोन, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करता हूं, जो इसका बेस वेरिएंट है 4 128GB वाला, ये आपको 13,000 के करीब देखने को मिलेगा। और अगर आप कार्ड ऑफर के साथ इसको परचेज करते हैं तो आपको 12,000 के करीब देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.58 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। इसलिए मैंने इसको नंबर 5 पे रखा है। आपको 60Hz रिफ्रेश रेट ही यहां मिलने वाला है। बट अगर इसके और फीचर की तरफ आप देखते हैं तो आपको ओवरऑल में कंप्लीट पैकेज यहाँ पे मिलने वाला है। 12,000 में आपको 5G स्मार्टफोन यहाँ मिलने वाला है। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करता हूँ तो यहाँ पे भी आपको 5000mAh का बैटरी प्लस 18W फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करेगा। और परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करता हूँ, परफॉर्मेंस भी यहाँ पे काफी अच्छी देखने को मिलती है। इसमें जो प्रोसेसर मिलने वाला है आपको MediaTek की तरफ से आने वाला 6020 2.2GHz प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 7nm बेस्ड है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको निकाल के देगा ये प्रोसेसर। अगर मैं इसके अंतत स्कोर की बात करता हूं तो आपको 3,50,000 के करीब यहां तक तो स्कोर देखने को मिलेगा। आप डे टू डे एक्टिविटी के साथ साथ अच्छी खासी गेमिंग भी इसमें कर पाएंगे। और अगर मैं इसके कैमरे की बात करता हूं तो यहां पे आपको रियर में ड्यूल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा। 50MP का मेन कैमरा प्लस 2MP और यहां पे सेल्फी कैमरा भी आपको 8MP का देखने को मिलेगा। इसमें आपको कैमरे की अगर मैं बात करूं तो आपको एक डिसेंट सा कैमरा यहां देखने को मिलता है। फोटोज अच्छी निकाल के देता है ये फोन। अगर आपको 12,000 की रेंज में 5G स्मार्टफोन चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो कि आता है नंबर 4 पे आता है IQ Z6 Lite 5G स्मार्टफोन। अगर आपको लगता है नंबर 4 वाला स्मार्टफोन नंबर 5 पे होना चाहिए और नंबर 5 वाला नंबर 4 पे होना चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्राइस की। आपको 15,000 के करीब देखने को मिलेगा 6 128GB वाला जो वेरियंट है। और अगर आप कार्ड ऑफर के साथ परचेज करते हैं तो आपको 14,000 के करीब देखने को मिल सकता है ये फोन। हम बात करते हैं इसकी डिस्प्ले की। इसमें आपको 6.58 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। काफी अच्छा डिस्प्ले इसमें आपको देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें इसकी बैटरी की, यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी प्लस 18W फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है। अगर हम बात करें इसके कैमराज की, यहाँ पे आपको रियर में ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। 50MP का यहाँ मेन कैमरा आपको मिलने वाला है, प्लस 8MP का यहाँ सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिलेगा। आपको फोटोज यहाँ पे डिसेंट यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात करता हूँ तो आपको परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी अच्छी देखने को मिलेगी। इसमें जो प्रोसेसर मिलने वाला है आपको स्नैपड्रैगन 4th Gen 1 आपको मिलने वाला है। काफी कैपेबल प्रोसेसर है ये। अगर मैं इसके अंतत स्कोर की बात करता हूं तो आपको 3,85,000 के करीब अंतत स्कोर देखने को मिलेगा। आप डे टू डे एक्टिविटी के साथ साथ अच्छी गेमिंग इस फोन में कर पाएंगे। अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसा कि ये 5G स्मार्टफोन है, बट आपको दो ही 5G बैंड यहाँ आपको मिलने वाले हैं। जो इम्पोर्टेड बैंड है वैसे N77 और N78 आपको यहाँ मिलने वाला है, बट आपको दो ही 5G बैंड का यहाँ सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर आपको परफॉर्मेंस के लिए स्मार्टफोन चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको कंसीडर कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो कि आता है नंबर 3 पे, सैमसंग F23 5G। काफी अच्छा स्मार्टफोन है। आपको 12 5G बैंड का यहाँ सपोर्ट देखने को मिलेगा। और अगर मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ तो आपको 14,000 के करीब देखने को मिलेगा। और जो इसका बेस वेरिएंट है 4 128GB से स्टार्ट होता है। इसमें आपको 6 128GB वाला वेरियंट भी देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ इसके डिस्प्ले की, इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस TFT डिस्प्ले आपको यहाँ देखने को मिलेगा, प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। और अगर आपसे फोन गिर जाता है तो इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। अंडर 15,000 में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। और इसका डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नोज के साथ आने वाला है, जैसा कि सैमसंग का डिस्प्ले आपको अच्छा ही मिलने वाला है। कलर्स वगैरह आपको काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूं इसकी बैटरी की, यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी प्लस 25W फास्ट चार्जिंग का स्पॉट देखने को मिलेगा। बट जैसा कि सैमसंग के स्मार्टफोन के साथ आजकल चार्जर देखने को नहीं मिलेगा, आपको चार्जर अलग
अलग से इसके साथ परचेज करना होगा। और अगर मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस की, तो आपको परफॉर्मेंस भी यहाँ अच्छी मिलने वाली है। स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर आपको मिलने वाला है, जो कि थोड़ा पुराना हो चुका है, बट काफी कैपेबल प्रोसेसर है, हमने टेस्ट किया हुआ है इसको। अगर मैं इसके अंतत्व स्कोर की बात करता हूँ, तो आपको 3 लाख प्लस यहाँ अंतत्व स्कोर देखने को मिलेगा। आप इसमें डे टू डे एक्टिविटी के साथ साथ अच्छी गेमिंग भी इसमें कर पाएंगे। और ये फोन एंड्रॉइड 12 के साथ आने वाला है, जैसा कि थोड़ा पुराना हो चुका है, तो इसमें आपको एंड्रॉइड 12 मिलने वाला है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें 12 5G बैंड का आपको सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं इसके कैमरास की, कैमरा काफी अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। जैसा कि सैमसंग का फोन है, अंडर 15,000 में आपको कैमरा काफी अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा यहाँ, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड यहाँ मिलने वाला है, प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा। जो अगर इसके सेल्फी कैमरा की बात करता हूँ, तो आपको 8 मेगापिक्सल का यहाँ सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। फोटोज यहाँ पे आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्मार्टफोन की, जो कि आता है नंबर 2 पे, अगेन सैमसंग का स्मार्टफोन ही आने वाला है, सैमसंग M14 5G। काफी अच्छा स्मार्टफोन है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्राइस की, आपको 14,000 के करीब देखने को मिलेगा, जो इसका बेस वेरिएंट है 4 128GB के साथ आता है, और 6 128GB वेरिएंट भी आपको यहाँ मिलने वाला है। बट आप सेल वगैरह में परचेज करते हैं, तो आपको 1000 या 2000 का एडिशनल कार्ड डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, 6.6 इंच का फुल HD प्लस PLS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छा डिस्प्ले है, और 90Hz का रिफ्रेश रेट भी आपको यहाँ मिलने वाला है। और इसमें भी आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि सैमसंग का अगेन डिस्प्ले है, तो आपको डिस्प्ले काफी अच्छा देखने को मिलेगा, कलर्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। और ये फोन भी वाटर ड्रॉप नॉच के साथ ही आने वाला है। अगर मैं बात करूं उसकी बैटरी की, आपको बैटरी यहाँ पे बड़ा मिलने वाला है। अगर आपको बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए, तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसिडर कर सकते हैं। 6000mAh का बैटरी यहाँ मिलने वाला है, प्लस 5W फास्ट चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करेगा। बट जैसा कि इसके बॉक्स में आपको चार्जर देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मैं बात करूं उसके कैमरा की, इसमें आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो काम का एक ही कैमरा है। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा यहाँ आपको मिलने वाला है मेन, और 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल आपको मिलने वाला है। और अगर मैं इसके सेल्फी कैमरा की बात करता हूँ, तो आपको 13 मेगापिक्सल का यहाँ सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। कैमरा काफी अच्छा यहाँ आपको मिलने वाला है, फोटोज आपको काफी अच्छे निकाल के देगा ये फोन। इसके अलावा अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, तो आपको प्रोसेसर जो मिलने वाला है, सैमसंग की तरफ से आने वाला एक्सनो 1330 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 5 नैनोमीटर बेस्ड है। वैसा सैमसंग का प्रोसेसर जो है, हीटिंग इश्यू यहाँ थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, बट यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिला, काफी इंप्रूव्ड है ये प्रोसेसर। अगर मैं इसके अंतत्व स्कोर की बात करता हूँ, तो आपको 4 लाख प्लस अंतत्व स्कोर देखने को मिलता है। आप डे टू डे एक्टिविटी के साथ साथ अच्छी गेमिंग भी इस प्रोसेसर के साथ कर पाएंगे, काफी पावर एफिशिएंट ये प्रोसेसर है। और ये फोन एंड्रॉइड 13 के साथ ही आने वाला है, लेटेस्ट स्मार्टफोन है, और 2 ईयर का मेजर अपडेट प्लस 4 ईयर का सिक्योरिटी अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपको One UI 5.1 इसमें मिलने वाला है, जो कि काफी क्लीन UI एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। जैसा कि मेरी लिस्ट में 2 सैमसंग के स्मार्टफोन मैंने बताए हैं, अगर आपको सैमसंग का प्रोसेसर नहीं चाहिए, तो आप सैमसंग F23 को कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे सैमसंग M14 बड़ा लेटेस्ट स्मार्टफोन है, तभी मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले थोड़ा बेटर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा, और कैमरास भी यहाँ पे काफी अच्छा देखने को मिलेगा, और परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे अच्छी मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट स्मार्टफोन की, जो कि आता है नंबर 1 पे, अगेन मोटो भैया, मोटो G62 5G। काफी अच्छा स्मार्टफोन है ये भी। अगर मैं इसके प्राइस की बात करता हूँ, तो आपको 15,000 के करीब देखने को मिलता है। और अगर आप कार्ड ऑफर के साथ इसको परचेज करते हैं, तो आपको 14,000 के करीब देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बात करूं इसकी डिस्प्ले की, इसमें आपको 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि अगेन 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। और इसका जो डिस्प्ले आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ यहाँ मिलने वाला है, और ब्राइटनेस लेवल भी आपको काफी अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। अगर आप आउटडोर में भी इसका यूज करते हैं, तो आपको 600 nits का ब्राइटनेस लेवल यहाँ मिलने वाला है, और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है इसका, वो भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं उसकी बैटरी की, यहाँ पे आपको 5000mAh का बैटरी प्लस 20W चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। 20W मुझे थोड़ा कम लगा 15,000 के प्राइस के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे आपको 20W चार्जिंग ही मिलने वाला है। और अगर मैं बात करूं उसके कैमरास की, यहाँ पे आपको रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी आपको यहाँ मिलने वाला है, प्लस 2 मेगापिक्सल आपको मिलने वाला है। और अगर मैं इसके सेल्फी कैमरा की बात करता हूँ, तो वो भी यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। 15,000 के रेंज में आपको अल्ट्रा वाइड यहाँ
आपको देखने को नहीं मिलता, बट यहाँ पे अल्ट्रा वाइड भी आपको देखने को मिलेगा। मैं बात करूँ इसकी परफॉर्मेंस की, यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलने वाला है आपको स्नैपड्रैगन 695 2.2 गीगाहर्ट्ज़ प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर बेस्ड है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलने वाला है, काफी स्टेबल प्रोसेसर है। आप डे टू डे एक्टिविटी के साथ साथ अच्छी खासी गेमिंग इस प्रोसेसर के साथ कर पाएंगे। आपने देखा होगा आजकल मोस्टली 15 से 20,000 के जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं, सब में मोस्टली आपको स्नैपड्रैगन 695 ही यहां देखने को मिलता है, बट यहां पे आपको अंडर 15,000 में स्नैपड्रैगन 695 मिलने वाला है। परफॉर्मेंस आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। इसके साथ साथ और भी यहां पे फीचर देखने को मिला है, जैसे कि इसमें स्टीरियो स्पीकर मिलने वाला है, डॉल्बी एटमॉस भी आपको मिलने वाला है, और आपको 12 5G बैंड का भी यहां सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इनहैंड फील्ड भी आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। जैसे कि मोटोरोला का फोन है, आपको एड ब्लोटवेयर वगैरह बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगे, और इसके साथ साथ आपको IP52 की रेटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको अंडर 15,000 में कंप्लीट पैकेज चाहिए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर कर दिए होंगे। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, आपके काम की लगी हो, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।